अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल में बहुत मज़े के पोटैटो सैंडविच बना रही हूँ। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पे चार अदद मैं यहाँ पे आलू यूज़ कर रही हूँ, इसे मैंने बॉईल कर लिए है। ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, इनके किनारे मैंने कट कर लिए हैं और इसे दरमियान से भी मैंने कट कर लिया है। स्पाइसेस जो हमें चाहिए, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर एंड 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, स्मॉल साइज़ की प्याज चॉप की हुई, 2 से 3 अदद हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया और 2 अदद अंडे। ब्रेड पे लगाने के लिए जो हमने मिक्सर तैयार करना है, उसके लिए सबसे पहले मैं एक बड़ा बाउल लूँगी यहाँ पे, इसके अंदर ये सारे आलू ऐड कर दूँगी बॉयल किए हुए, साथ ही मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी, हरी मिर्च, साथ ही इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी, सफ़ेद ज़ीरा, सूरख मिर्च पाउडर, चिली सीड्स और नमक। ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हाथ की मदद से मैं पहले अच्छे से मैश कर लूंगी। ताकि आलू भी अच्छे से मैश हो जाए और सारा मसाला भी इसके अंदर अच्छे से लग जाए। ये बहुत मज़े के सैंडविच बनते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है ये, और बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। देखें अच्छे से ये मिक्स हो गए, तो मिक्सचर हमारा रेडी है। जब तक मैं सैंडविच रेडी करती हूँ तब तक मैं ऑयल को गर्म होने के लिए रख दूँगी। एक बड़ा मग मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर, और इसके नीचे मीडियम फ्लेम ऑन करके इसे गर्म होने के लिए रख दूँगी। मिक्सचर रेडी है हमारा यहाँ पे, अंडों को भी मैंने तोड़ के फेंट लिया अच्छे से। अब मैं ब्रेड के पीसेस यहाँ पर लेती जाऊँगी और इस पर ये मिक्सचर लगाती जाऊँगी। और इस तरह ही सारे ब्रेड के स्लाइस हम रेडी कर लेंगे। ब्रेड के कुछ स्लाइस मैंने रेडी कर लिए हैं, इनकी मैंने एक ही साइड पे ये मिक्सचर लगाया था आलू का, अब मैं दूसरे स्लाइसेस पे दोनों साइडों पे लगाऊंगी। ये एक स्लाइस लूंगी मैं, पहले की तरह हम इसके एक साइड पे ये मिक्सचर ऐड करेंगे। ये एक साइड पे हमने लगा लिया है, अब हम इसे दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। आपको ये जैसे पसंद आए आप वैसे इसे बना सकते हैं, और इस तरह बाकी पीसेस मैं ऐसे बना के रेडी कर लूँगी। स्लाइस हमने सारे रेडी कर लिए हैं, अब मैं इसे अंडे में डिप करूँगी। ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और इसे ऑयल में ऐड कर दूंगी। एक स्लाइस हम दूसरा इसमें ऐड करेंगे जिस पे हमने दोनों साइड पे लगाया है ये मिक्सचर, इसे अंडे में अच्छे से डिप कर इसे ऐड कर देंगे। पहले हम इसे एक साइड से फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, फ्लेम इसके नीचे मीडियम ही ऑन है।
ये दो सैंडविच हुए हैं जिसके सिर्फ एक साइड पे ही मिक्सचर ऐड है और एक ये वो सैंडविच है दो जो हमने दोनों साइडों पे मिक्सचर ऐड किया है। और इसी तरह मैं सारे सैंडविच रेडी कर लूँगी। हमारे सैंडविच बनके रेडी हैं दोनों साइड से। अब मैं इसे निकाल लूँगी। बाकी सैंडविच भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। मज़ेदार दो तरह के पोटैटो सैंडविच बनके रेडी हैं। ये वो वाले सैंडविच हैं जिसपे मैंने एक साइड पे पोटैटो मिक्सचर लगाया था और ये मैंने दोनों साइडों पे लगाया था। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।